इसके अलावा 19B सूप जो है वो भी बने। यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई, जैसे कि ये चिकन है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये मेरे पास चिकन है, ये गई इसके अंदर चिकन। जब आप इसको पियेंगी तो आप कहेंगी भाई वाह मज़ा आ गया। हाँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें थोड़े से हम शामिल करेंगे मशरूम शामिल करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास ड्राई मशरूम है, आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉन्स डालेंगे, मेरे पास चूँकि बड़े थे तो इसलिए मैंने काम ये किया कि मैंने इनको चॉप कर लिया ताकि सूप में बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये हो गया और ये गए प्रॉन्स। ठीक है, चॉप प्रॉन्स आपके पास छोटे हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि बड़े थे तो मैंने पूरे डाल दिए। ये गए शिटाकी मशरूम, ये चले गए इसके अंदर। क्या सूप के अंदर इसका नहीं अभी नहीं चाहिए, फ्लेवर बेहद अच्छा आता है। ये हो गया, थोड़ा सा इसको मैं कुक होने देती हूँ। इसके अलावा हम जो उसमें मिक्स वेजिटेबल्स शामिल करेंगे अभी, वो हैं हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट की फ्रोजन वेजिटेबल्स, जो कि बेस्ट क्वालिटी की ज़बरदस्ती। जो वेजिटेबल्स आपको नहीं मिल रही हैं या आपको लगता है कि बहुत आसान काम हो जाता है जस्ट पैकेट खोलना है, तो ये बेस्ट है बहुत, क्योंकि हर वेजिटेबल हर जगह फॉरन से मिलती नहीं, लेकिन आपके घर पर पैकेट रखा हुआ है तो आपकी लाइफ आसान। या फिर वो वेजिटेबल जो सीज़न में नहीं है लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, अच्छा बेहतर टेस्ट कलर सब कुछ मिल रहा है, जो कि आपको दे रहा है फ्रेश स्ट्रीट, ये फ्रोजन वेजिटेबल्स। इसके साथ साथ फ्रोजन फ्रूट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। ये गया इसके अंदर चिकन स्टॉक तकरीबन 4 कप के करीब, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, अभी और नहीं डाल रही, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है कि हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें जनाब, और ये है मिक्स वेजिटेबल्स सारी, जो के हैं फ्रेश स्ट्रीट की, एकदम फ्रेश जबरदस्त। अच्छा, होता क्या है कि सूप में थोड़ी सी कम डलती है ना, तो आपको अगर बनी बनाई मिल जाए तो क्या ही बात है ना। तो ये मेरे पास है, ये देखें जी बेहतरीन, आप कलर चेक करें, है कलर सारी फ्रोजन, लेकिन आप कलर देखें, कैरेट भी है, मुझे बीन्स है, मटर है, गाजर है जी, कॉर्न्स है जी, जो आपके सूप को बेहतरीन कर देगा। ये चला गया, ये मैंने इसमें डाल दिया, ना कटिंग की टेंशन, ना लेकर आने की, छीलने की, वॉश की, ये तमाम टेंशन से आप बहुत ही आसानी से टाइम को सेव करते हुए आराम से ये फ्रेश स्ट्रीट की मिक्स वेजिटेबल्स का पैकेट जस्ट आपने खोलना है और इस्तेमाल करें, रीयूज भी कर सकते हैं, जस्ट आपने पैकेट वापस से फ्रीजर में रख दिया एंड देन आपकी लाइफ आसान है, जल्दी करें निकालें। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के सॉसेस, हमने अभी तक ऐड नहीं किए हैं, हम डालेंगे सोया सॉस, ये भी है हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट का जबरदस्त सा सोया सॉस, चाहे व्हाइट विनेगर की बात करें या फिर सोया सॉस, सभी है बेहतरीन और जबरदस्त से। ये गैस में तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, वाह बेहतरीन, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आना शुरू हो गया। इसके बाद हम डालेंगे थाई चिली सॉस, ये भी है फ्रेश स्ट्रीट का, फ्रेश स्ट्रीट की, इसको खोलना अच्छा, ये तो इतनी ज़बरदस्त है, ये हमने कल ही एक्चुअली ट्राई की है, पर ये बहुत मज़े की है, स्वीट चिली सी, और ये है एक्चुअली फ्रेश स्ट्रीट की थाई चिली सॉस, जो तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने। ठीक है, अच्छा ये सॉसेस ऐसी हैं कि हर टाइम आपको चाहिए होती, ना सिर्फ इन सूप्स में बल्कि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी बनती हैं, बहुत सारी फ्राइड चीज़ें जिनके साथ हम सर्व कर रहे होते हैं और उन तमाम चीज़ों की लज्जत को बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन स्टॉक सोया सॉस में थोड़ा सा और डाल लेंगे इसमें, ये गैस में सोया सॉस मज़ीद, और मैं थोड़ा सा अब इसमें नमक टेस्ट करूँगी फिर डालूँगी। एक अदद अंडा है मेरे पास, ये अंडा यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जी, अब देखें सूप कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा जब आपके पास वेजिटेबल्स सारी मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं नमक टेस्ट करती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं अभी, यहाँ सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम गर्म करते हैं, सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हम गर्म करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं, भर के अंदर ऐड करेंगे, साथ ही ये कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में डिजोल्व करके रख लिया, इसको डालेंगे और सूप को कम्प्लीट कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितना बेहतरीन ये 19B सूप हो जाएगा रेडी जी। गैस के अंदर ये 3 टेबलस्पून है, ठीक है, इसको डालेंगे थोड़ा सा, और इसको मैंने तकरीबन 3/4 कप पानी के अंदर मैंने इसको डिजॉल्व, खासा बन गया, ये देखा आपने क्या बेहतरीन सूप आपका तैयार हो रहा है। अभी इसमें अंडा भी जाएगा, अच्छा इसमें चिकन भी है, इसमें प्रॉन्स भी हैं, इसमें मशरूम्स भी हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फुल हेल्दी ज़बरदस्त, आपके विंटर्स को बनाने लगा है ये बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त, बनाए घर में और इंजॉय करें। चले जी, ये बेहतरीन सा तैयार हो गया, अब मैं इसमें ये देखें बहुत ही बेहतर परफेक्ट, अब मैं इसमें ये अंडा
अंडा अब आपको बड़े पीसेस पसंद है तो इस तरह से डाल सकते हैं, छोटे पसंद है तो ज़रा हल्के हाथ से डालिएगा और डालने के बाद एकदम ज़रा छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन मत चलाना शुरू कर दीजिएगा उसको ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा इसका टेक्स्चर आ जाए। चलो ये कितना आसान सूप था ना, बेहतरीन सा हमारा ये सूप जो है वो तैयार हो गया, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स कटी कटाई तैयार थी, हमने डाली और फटाफट तैयार। ये देखिए